يا <applause> 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ये नाइन्थ चैप्टर है इस किताब का इस किताब का नाम है बेनहायत की तलाश में और इस चैप्टर का नाम है मात से नूर की तरफ या अंधेरे से रोशनाई की तरफ जिस चीज़ को कैटापिलर एंड कहता है उसी चीज़ को बटरफ्लाई बिगनिंग कहती है एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स जो हम बार बार रेफ़र करते थे और जिसकी वजह से हमें हिदायत मिली वह तफसरमीज़ान है हमें याद है कि सिर्फ सूर् हमद की तफसीर को हम लोग तकरीबन एक महीने तक डिस्कस करते रहे जब भी हम ऑफिस से वापस आते तो दो या तीन घंटे बैठकर इसी तस्वीर को डिस्कस करते और समझने की कोशिश करते कि अल्लामा तबा तबाई तबा इस तस्वीर के ज़रिए हम तक क्या बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं एक महीना डिस्कशन करने के बाद हमें यह रियलाइज़ हुआ कि इस्लाम के बारे में हमने कितनी सारी बातें ऐसी हैं जो गलत समझी हैं और ग़लत फहमी में ज़िंदगी कर रहे हैं हमें हमारा बिलीफ सिस्टम पूरी तरह से चेंज करने की ज़रूरत है तो हमने सोचा हम अपने जॉब से हम अपने वर्क से हम अपने काम से कुछ मुद्दत के लिए कुछ सालों तक छुट्टी लेते हैं और ईरान जाते हैं ताकि वहाँ पर इस्लाम को सही तरीक़े से और सही अंदाज़ से पढ़ें सीखें और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें ईरान आने का डिसीशन हमारी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीशन था लेकिन इसमें भी चैलेंजेस थे हमें हमारे दोस्तों से और दूर दराज की फैमिली से बहुत कुछ सुनना पड़ा हमारे दोस्त हमें कह रहे थे कि तुमने अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली और हमारे दूर दराज के रिश्तेदार ये सोच रहे थे कि हम कितने अहमक और बेवकूफ़ हैं कि हमने इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हासिल की दस साल तक बड़ी बड़ी कंपनीों में काम करते रहे और उसके बाद ये सब छोड़ हम ईरान जा रहे हैं इस्लाम सीखने के लिए अपने करियर में ग्रो होना और बड़े बड़े पोजिशन और जॉब हासिल करना ये सब छोड़कर हम वापस जा रहे हैं रिग्रेस कर रहे हैं और कई दर्जे नीचे आ रहे हैं फिर भी उन सब की ये बातें हमें रोक ना पाई और हम आखिरकार ईरान आ ही गए यहाँ पर आने के बाद हमने देखा कि यहाँ इतना ज़्यादा सीखने के लिए रखा है इतना ज़्यादा इल्म मौजूद था कि हमें कभी कभी लगता था कि दिन में 24 घंटे हमें कम पढ़ रहे हैं यहाँ हमें बड़े बड़े बुज़ुर्गवार और स्कॉलर्स और दीन से मुलाकात करने का मौक़ा मिला और हम उनको ज़िंदा मिसाल की तरह मुशाहिदा कर रहे थे देख रहे थे कि कैसे वो इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में बरपा कर रहे थे यानि कैसे वो अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक जी रहे थे हमको उनके नज़रियात पढ़ने का मौक़ा मिला हमको उनकी नज़र से दीन जानने का मौका मिला और दुनिया में जो मुख्तलफ़ इज़्म है वो समझने का मौका मिला हम देख रहे थे कि कैसे यहाँ पर कुछ हौजे के स्टूडेंट्स जो है वो बहुत सादी ज़िंदगी होने के बावजूद भी अपनी ज़िंदगी से खुश थे क्योंकि उनकी ज़िंदगी इस्लामिक वर्ल्ड व्यू के मुताबिक थी ना फ़कत वो अपनी ज़िंदगी से राजी थे बल्कि अपनी ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा खुश थे आइए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ एक ऐसे तालब इम की जो यहाँ हौजे में ज़िंदगी करता है ताकि आपको समझ आए कि कैसे मुश्किलात में भी लब इल्म और वो लोग जो इस्लाम की आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं और वाक अहलैद के बताए हुए रास्तों पर अमल करते हैं ज़िंदगी में सख्तियाँ आने के बावजूद भी वो कैसे राज़ी रहते हैं और खुश रहते हैं आप तो जानते होंगे कि कुंभ का वेदर कितना एक्सट्रीम होता है समर में ये 45 से 47 डिग्री तक गर्माहट तक पहुंच जाता है और विंटर्स में यहाँ पर कभी कभी माइनस पाँच माइनस सात से माइनस दस दस डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है बर्फ़ भी गिरती है ये तालब इल्म के पास एक मामूली सी मोटर बाइक थी जब भी इन्हें हरम जाना होता कहीं और जाना होता या हत्या डॉक्टर के पास भी जाना होता तो यह अपनी बीवी और तीन बच्चों को लेकर बाइक पर ही जाता और चाहे वेदर कितना भी एक्सट्रीम हो बस इसी बाइक से वो काम चलाता था यह एक्सट्रीम वेदर की वजह से बार बार उनके बच्चे बीमार पड़ जाते थे गर्मियों में क्योंकि हवा बहुत सूखी होती थी और हवा में डस्ट होता था तो बच्चों के सीने भर जाते थे खांसी और सांस लेने की मुश्किल ये मुक्र रहती थी और इस वजह से इनको बच्चों को इन्हीलर पम्प्स देना पड़ता कभी कभी एक एक महीने तक इन्हें ये पम्प्स देते रहते थे ताकि ये बीमारी शदीद ना हो जाए और फिर ये चाहे समर हो या विंटर हो बच्चे उसी गर्मी धूप सूखापन धूल और सर्दी में ठंडक और बर्फ़ गिरने की वजह से बार बार मरीज़ हो रहे थे उन्हें बहुत ही अशद एक कार की ज़रूरत थी इत्तेफाकन ख़ुदा ने तोफ़ी अता की और तबलीग के लिए ये तालब इल्म एक जगह चले गए और इन्हें एक हदिया मिलने वाला था जो कि दस दिन के बाद मिलने वाला था इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि तकरीबन मुझे इतना हदिया मिलेगा और उसी टाइम पर यमन पर भी हमला हुआ था और यमन के बच्चे भूख से मर रहे थे उसी दौरान आ, इस तलब इल्म को इनकी जोजा ने फ़ोन किया बहुत सारी बातें डिस्कस कि और इसमें यमन की बात भी निकल आई तो उन्होंने सजेस्ट किया क्यों ना हम कुछ पैसे जो जो ये हदिया मिलेगा उसमें से कुछ पैसे यमन को दे दे ताकि वहाँ पर बच्चों की थोड़ी बहुत मदद हो जाए तो हस्बैंड ने भी मान लिया इस तलब इल्म ने भी मान लिया और ये तय हुआ कि 10 परसेंट इस हदिया का अमाउंट यमन को दे दिया जाएगा और ये 10 परसेंट अमाउंट उनके तकरीबन एक महीने का ख़र्चा था अब देखिए कैसे खुदा बंद मताल इस दुनिया और आखिरत में बरकत अता करता है और नमतें अता करता है जब कोई सिर्फ़ खुदा की मर्जी और उसकी रिज़ायत और उसकी खुशनुदी के लिए कोई काम अंजाम देता है तो कैसे खुदा उस तक अपनी कुमक और मदद पहुँचाता है जब इन्होंने ये नीयत की कि हम इसका दस परसेंट यमन को देंगे तो उसी शाम वहाँ का कोई एक रहने वाला बाशिंदा उनसे मुलाकात करने आया और उनके लिए एक गिफ्ट लेकर आया वो गिफ्ट पैक में एक परफ़्यूम का बॉटल था और एग्जैक्टली exactly यही दस परसेंट पैसे थे जो इन्होंने डिसाइड किया कि यमन को गिफ्ट देंगे ये तलब इलम कहता है कि मैं इतना ज़्यादा हैरान परेशान और खुदा की रहमत से मुतासर हुआ क्योंकि मैंने सिर्फ नीयत की थी अभी तो मेरे हाथ में पैसे आए भी नहीं थे और मैंने ये पैसे दिए भी नहीं थे मैंने अभी तक सिर्फ नीयत की थी और बस ये नीयत को देख कर खुदा ऑलरेडी उसी मकदार का पैसा मुझ तक पहुँचा दिया था वो इस बात से इतना मुतासर हुआ कि उसने वहीं पर यह नीयत कर ली कि ये जो पैसा आया है उसे भी मैं यमन को गिफ्ट कर दूँगा फिर ये तलेब इलम कहता है कि मुझे एक ऐसी जगह से तबलीग की दावत आई जहाँ मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और वहाँ पर तबलीग के बाद जो हदिया मुझे मिला वो कई गुना ज़्यादा था यानि पहली बार तबलीग पर जो हदिया मिला उससे कई गुना ज़्यादा था और यह हदिया इनके लिए काफ़ी था कि यह एक कार आसानी से ख़रीद सकते हैं और वो बहुत खुशहाल था इस बात से कि अगर ये कार ख़रीद लेगा तो इसकी फ़ैमिली को इस वेदर की पछाड़ से छुटकारा मिलेगा और मुसीबतों से बच जाएंगे लेकिन जब वो अपने घर वापस आया तो यमन की हालत और बुरी हो गई थी और इंटरनेट पर फोटोज़ घुमाए जा रहे थे जिसमें छोटे छोटे बच्चे भूख से मर रहे थे और वो तस्वीरें काफ़ी दिल को रंजिदा करने वाली तस्वीरें थी तो ये खानुम और ये तलब इल्म बैठते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं ताकि हम यमन की और मदद कर सकें फिर उन्होंने डिसाइड किया कि शदीद गर्मी और शदीद सर्दी में अगर हम ये नहीं देख सकते कि हमारे बच्चे थोड़ा बहुत बीमार पड़ जाए तो सोचो उस माँ की क्या हालत होती होगी जो बच जो अपने बच्चों को हर रोज़ तिल तिल मरता देखती है और आखिरकार भूख की हालत में ये बच्चे अपनी माँ के दामन में अपना दम तोड़ देते हैं तो इन्होंने ये तय किया कि ये सारा पैसा हम यमन को दे देंगे अगले दिन ये तलेब इल मर्ज के ऑफिस में जाता है और ये सारा का सारा पैसा यमन को डोनेट कर देता है इस पैसे से चाहता तो वो एक कार खरीद सकता था और अगर वो कार नहीं ख़रीदता तो ये पैसे से उसके कम से कम तीन साल का ख़र्चा निकल जाता लेकिन फिर भी खुदा की खुशनुदी के लिए इन लोगों ने ये पैसा उन भूखे बच्चों के नाम पर गिफ्ट कर दिया था फिर और एक साल तक वो लोग यही मोटर बाइक यूज़ करते रहे इसी से काम चलाते रहे फिर से गर्मी की पछाड़ फिर से ठंडक की चुबन फिर से बच्चे मरीज़ पड़ रहे थे और इस बाइक पर बैठते बैठते इनकी ख़ानूम की कमर में बहुत शदीद दर्द भी शुरू हो गया था तो यह खानुम कहती है कि जब मैं उस माँ के बारे में सोचती हूँ जो अपने बच्चों को भूख से हर दिन तिल तिल मरता देखती है उसके सामने ये कमर दर्द कुछ भी नहीं है ये कमर दर्द अब मुझे और नहीं सताता ऐसे ही एक साल गुजर गया बच्चे मरीज़ पड़ते रहे कमर में दर्द बढ़ता रहा कुछ नहीं बदला अगले साल फिर से इस तलब इल्म को कहीं से तबलीग का बुलावा आया वो वहाँ तबलीग के लिए जाता है और उसे इस बार भी एक अच्छा खासा हदिया मिलता है जब वो घर वापस आता है तो बड़ा खुश होता है कि उसके पास पैसे आ गए कि वो कार ख़रीदेगा और उन्होंने तकरीबन कार ख़रीदना फाइनलाइज भी कर लिया था लेकिन तभी इंटरनेट पे कुछ और तस्वीरें घूम रही थी जिसमें एक तस्वीर बहुत ही दिल को छू लेने वाली थी चार बच्चे बैठे थे और उनके सामने उनकी माँ का लाशा पड़ा था बच्चों को ये भी पता नहीं कि उनकी माँ मर गई है या अगर पता भी है कि माँ मर गई है तो ये चार छोटे छोटे बच्चों को ये पता नहीं है कि अपनी इस मरी हुई माँ के साथ इन्हें क्या करना है दोनों ने ये तस्वीरें देखी और दिल ही दिल में रोते रहे दो दिन बाद यह खानम अपने शोहर के पास आती है और कहती हैं कि वो तस्वीर मुझे अभी भी बहुत सता रही है मैं दो दिन से सो नहीं पाई हूँ क्या ये मुमकिन है कि हम ये सारा पैसा फिर से यमन को डोनेट कर दें तो हस्बैंड ने जवाब दिया इस तलब इल्म ने जवाब दिया कि मैं तो बहुत चाहता था कि यह पैसा यमन को दे दूं लेकिन मुझे लगा कि आप इस बात को नहीं मानोगी क्योंकि आपके पीठ का दर्द और शदीद हो गया है और बदतर हो गया है और बच्चे भी सारा साल मरीज़ पड़ते रहे हैं इस ख़ानम ने जवाब दिया कि मेरे पीठ दर्द की फ़िक्र ना करें उन बच्चों की मुसीबत के सामने ये पीठ दर्द कुछ भी नहीं है अगले दिन यह तलेब इल फिर से मर्ज़ तकलीद के ऑफिस में जाता है और सारा का सारा पैसा यमन को डोनेट कर देता है मैं आपको बता नहीं सकता कि यह दास्तान सुनकर मैं कितना ताज्जुब करने लगा क्योंकि आज भी कुछ ऐसे लोग दुनिया में मौजूद है जो दूसरों की मुश्किल को देख नहीं सकते और उनके कंफर्ट को अपने कंफर्ट से ज़्यादा अहमियत देते हैं आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी ज़िंदगी सिर्फ खुदा की खुशनुदी के लिए जीते हैं आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अहलुलबै के बताए हुए रास्ते पर और इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी बिताते हैं क़ुरान कहता है कि जो लोग खुदा की राह में इफ़ाक करते हैं वही लोग खुदा की हिदायत पर हैं और वही लोग कामयाब होने वाले हैं आप सुर बकरा की पाँचवीं आयत देखिए खुदा बंद मुताल कहता है उलाए का अला हदम में रब हीम व उलाए का हमुल मुफल हूँ इसमें कोई शक नहीं कि हौज़े में आने से आपकी आइडियोलॉजी इस तरह बदल जाती है कि फिर आपकी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक अहलुलबैद के मुताबिक और अल्लाह सुबहाना उतल की मर्ज़ी और उसकी खुशी के मुताबिक हो जाती है फिर हम जो भी करते हैं अपनी ज़िंदगी में वो सिर्फ़ खुदा की खुशनुदी के लिए होता है यकीनन एक बड़ा सफ़र है अंधेरे से रोशनाई की तरफ जुल्मात से नूर की तरफ मिन नूर इस किस्से में कुछ डिटेल्स को चेंज कर दिया गया है ताकि इस फैमिली की आइडेंटिटी छुपी रहे इन आगे का मतलब अगले चैप्टर में बयान करेंगे तब तक के लिए इल्तिमास से दुआ Say